नमस्कार, आज हम आए मध्य प्रदेश राज्य की राजधानी भोपाल शहर में, जहां 8वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का सेलिब्रेशन हो रहा है। यहां हम देख सकते हैं हर साल की तरह, जहां यहां पे हजारों की हुजूम में भीड़ उमड़ा करती थी, यहां मुख्यमंत्री जी जो हर साल आया करते थे और लोग बच्चों के साथ में योगा करते थे, उस तरीके से इस बार का जो सेलिब्रेशन है वो कुछ फीका सा पड़ रहा है। मैं अपने कैमरामैन से कहूंगा कि वो भीड़ को दिखाए कि किस तरीके से कोविड ने कितना अफेक्ट किया है इस चीज़ को, और जिस तरीके से योगा हमारे स्वास्थ्य के लिए इतना महत्वपूर्ण है, जहां हमारे प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी ने इसको शुरुआत की, और आज हम देख सकते हैं कि किस तरीके से ये फीका पड़ता जा रहा है। मैं कैमरामैन से अनुरोध करूंगा कि वो स्टेज की तरफ दिखाए कि किस तरीके से वहां पे इंस्ट्रक्शन दिए जा रहे हैं प्राणायाम को। अभी प्राणायाम के अभ्यास के लिए हमें तैयार करें। अब हम अनुलोम विलोम प्राणायाम का अभ्यास करेंगे। कमर एवं गर्दन को सीधा रखें। तो जैसा कि हम सब जानते हैं, इसको प्रधानमंत्री जी ने 8 साल पहले इसकी शुरुआत की थी, और आज हम देख सकते हैं कि कोविड की वजह से, कोरोना काल की वजह से, इस महत्वपूर्ण दिन को जो कि 21 जून को मनाया जाता है, आज उसका रंग थोड़ा फीका सा दिख रहा है। लोगों के अंदर वो आजकल उत्साह नहीं रहा है जो कुछ टाइम पहले तक था। कन्नगड़न मुच्ची, गहरा लंबा श्वास लेना है। श्वास छोटे हुए भ्रमर के समान मकर ध्वनि का गुंजन करना है। क्या नाम है आंटी आपका? मैं महिला पतंजलि जिला प्रभारी रेखा बत्रा, रुद्रांशी योग केंद्र से। ये मेरी सारी टीम है, पूरी टीम, हम सभी लोग। बारिश का हम पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा, हम लोगों ने दिल से योग किया, और सभी जिन लोगों ने प्रॉमिस किया था, सभी महिलाएं सुबह फटाफट रेडी होके बच्चों के टिफिन लगा के हम लोग सब यहाँ पहुँचे हैं, अपनी अपनी गाड़ियाँ लेके, सब अपने साथ, और लोगों को भी पड़ोसियों के लिए क्या किसी की भी, सबने प्रॉमिस किया था कोई अपनी गाड़ी खाली लेके नहीं आएगा, अड़ोसी पड़ोसी रिश्तेदार सबको लेके आएंगे, सब साथ में आए, और सबके अंदर बहुत जोश है। कैसा जोश है मैम? क्या इसके पहले यहाँ हजारों की संख्या में भीड़ हुआ करती थी, उसके अपेक्षा इस बार भीड़ कम है, इस पर क्या कहेंगे? बारिश की वजह है, प्रशासन ने साथ नहीं दिया क्योंकि स्कूल से बच्चे आने वाले थे, उस वजह से। बाकी महिला पतंजलि पूरी टीम आई है, पतंजलि का आप देखिए पूरा प्रोग्राम ही पतंजलि का, तो पतंजलि ने बहुत नाम कमाया, तो पतंजलि के लोग पीछे नहीं हटते अपने संकल्प से, जो संकल्प लेते हैं वो संकल्प आगे बढ़ता है। यहाँ मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आने वाले थे, वो नहीं आए, उनका दौरा कैंसिल हो गया भीड़ के चलते, क्या? नहीं, वो सब मुझे नहीं पता। मुझे भी यहाँ आके पता चला कि माननीय मुख्यमंत्री जी नहीं आ रहे। हम लोगों ने तो ठाना था हमको पहुँचना, चाहे बारिश हो या तूफान हो, हमको चलना है और योग करना है, और हम लोग सभी योग प्रेमी, पिछले 12 साल से हम सब साथ में योग कर रहे हैं, तो हम योग को कैसे पीछे छोड़ सकते हैं। जी बिल्कुल, अपना स्वास्थ्य बहुत जरूरी है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद थिंकर टीवी से बात करने के लिए। केवल ये खुद आए बल्कि आस पड़ोस के जितने लोग हो सकते थे, इन्होंने सबको लाया।